أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم ولهن الرب مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون به عودين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قال الراوي واحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد محترم نادرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق فرائض کا استقبال ہیں बात चल रही थी पिछले दर्स में बेवा के हकूक़ के सिलसिले में बेवा ये माशरे का जो है कमज़ोर तबका है जिस पर हर दौर में जो है तित हुआ ख़ास तौर से जाहिलियत में जमाने जाहिलियत में काफ़ी ओ सितम जो है इस पर ढाए गए तो इस सिलसिले में पिछले दर्स में मैंने बुनियादी तौर से कुछ अहम बातों की तरफ जो है इशारा किया था इसी तरह बेवाओं के सिलसिले में जो हकूक़ इस्लाम ने मतिन किए हैं इस्लाम ने मुकर किए हैं उनमें एक अहम हक़ जो है विरासत में हिस्सा है। जाहिलियत की बात नहीं कर रहा था कि जमाने जाहिलियत में अगर किसी कोई ख़ातून बेवा हो जाती उसके शोहर का इंतकाल हो जाता तो उसके वारिसीन जो है मैत की जायदाद से जो है उसकी बीवी को हिस्सा देकर शोहर की जाए जुदाई का जो ग़म होता है उस ग़म को हल्का करने और इसी तरह बच्चों के, उसके बच्चों के जो है माशी मसायल को हल करने के बजाय उस पर तम करते इस तरह ितम करते कि तरखे में जो है उसकी बीवी को भी शामिल कर लेते हैं और आपस में तकसीम कर लेते हैं अल्लाह अकबर इतना बड़ा जुल्म तम एक बेवा के साथ किया जाता कि शोहर का इंतकाल हुआ है बेचारी परेशान है ग़म में मुबला है उसके ग़म को हल्का किया जाता और इसी तरह उसके अगर बच्चे हों उनका जो जमाशी मसला है मुस्कबिल में उनकी तालीम और तरबियत का और दीगर जो भी हकू औलाद के होते हैं उस गम को हल्का करने के बजाय लोग उसको भी जो है जायदाद में तकसीम कर लेते थे अल्लाह शामिल करके उसको तकसीम किया जाता लेकिन इस्लाम जब आया इस्लाम इस मज़लूम तबक़़े के हक़ हाँ में जो है बड़ा ही सहारा बनकर अब्र क्रम जो है बनकर नाजिल हुआ शोहर की जुदाई के बाद उसे ना सिर्फ जो है इसके वारिसीन की मिलकियत बनने से आज़ाद किया बल्कि शोहर के तरके में जो है उसका हिस्सा भी मुकर किया इस्लाम ने जो है जहाँ उसको ये आज़ादी दिलाई कि बच्चों के जो है माशी मसले को हल किया इस्लाम ने वहीं पर बेवा के सिलसिले में हक़ मुकर किया कि उसके शोहर के तरके में से जो उसका खास हक शुरू में जो आयत करीमी पढ़ी हैं शुर नसा की आयत नंबर बारह में अल्लाह ता वह रुब उमय यकुलकुम वाल अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसकी औलाद ना हो तो बीवी को जो है चौथा हिस्सा मिलेगा माल का जो है वन बाई फोर रुब हिस्सा चौथाई हिस्सा जो है उसको मिलेगा और इसी तरह अगर औलाद हो तो उनको जो है आठवां हिस्सा वन बाई एट समन जो है अल्लाह ताला ने उनको मुकर किया उस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और की अदायगी के बाद खर्ज को अदा करने के बाद और इसी तरह जो वसीयत होती है मैत की एक सुलूस या उससे कम में उसको पूरा करने के बाद आखिर में जो मीरास तकसीम होती है विरासत उसमें जो है अगर औलाद है शोहर से तो आठवां हिस्सा अगर औलाद नहीं है तो जो है चौथा हिस्सा माल का चौथा हिस्सा शरीयत ने मुकर करके बहुत बड़ा जिस पर एहसान किया और उसके हक़ को जो है इस तरह इस्लाम ने अदा किया और इस बात पर उभारा कि अल्लाह की हदूद हैं ये अल्लाह के हदूद हैं अल्लाह ताला ने मुकर किए हैं जो उसको अदा करेगा आखिर में अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई जन्नत की और अगर कोई अदा नहीं करता है इस हक़ इसके इस हक़ से महरूम करता है उस पर जुल्म करता है तो जहन्म की दर्दनाक अदाब जहन्म के दर्दनाक अदाब की जो है वईद अल्लाह तनाई तो देखिए कितना बड़ा एहसान इस्लाम ने किया इसी तरीके से बेवा के सिलसिले में इस बात का हुक्म दिया गया कि उसके साथ हसन सलूक का मामला किया जाए उसकी देख रेख की जाए उसकी खबरगिरी की जाए उसके जो भी ज़रूरिया ज़िंदगी हैं उसको हसब इस जो भी निगरान होते हैं माशरे के समाज के घर के ख़ानदान कबीले के हर एक की ज़िम्मेदारी हैं हर एक को इस्लाम ने उभारा तौर से ख़ास तौर से जो उसके खास निगरान हों उसके सरपरस्त हों उन पर ज़रूरी है कि उसकी पूरी मुकम्मल कोशिश करें उसके सिलसिले में उसके जो भी फ़ायदे की चीज़ें हैं उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें उसके लिए मेहनत करें और इसकी काफ़ी फदीलत जो है इस्लाम ने बताई पिछले दर्श में मैंने बताया सबसे बड़ा एहसान ये होता है कि हम उसके लिए सहारा बने उससे शादी अगर कोई कर ले लेने ताकत दी है सबसे बड़ा एहसान होगा उसके अलावा दीगर जो भी ज़रूरिया हैं माल खर्च करके मशवरा देकर उसको कुछ वक्त देकर इसी तरह उस पर सदक़ा व खैरत करके या जिस तरीके से भी तान हम कर सकते हैं शरीय शरीय के दायरे में रहकर उस पर एहसान करें उसकी मदद करें और इसकी काफ़ी फजीलतः शुरू में जो हदीस मैंने पढ़ी सही सही बुखारी की इमाम बुखारी ने ला मुफरद आपकी जो मशहूर किताब है सही बुखारी के अलावा सही के अलावा अदबालमुफरत आपकी मशहूर किताब हैं, उसमें आपने इस रिवायत को नकल किया है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया अबू हर रदी अल्लाह तु से मरवी हैं अस्साईरमीमस्किन अल्लाह के नबी सा ने कहा कि बेवा और मस्किन के सिलसिले में कोशिश करने वाला उसकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला उसकी खबरगेरी करने वाले के लिए अल्लाह के नबी सा ने कहा बेवा और कोई मस्किन है उसकी मदद करते हैं उसका मक़ाम क्या है कल मुझा हैदी फ़ी सभी अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला खिताल करने वाले को जो सवाब मिलता है अजरव उस शख्स को भी मिलेगा जो बेवा की निगरानी करता है उस पर ख़र्च करता है उसकी खबर गिरी करता है हर तरीके से हसबा उसकी मदद करता है इसी तरह एक मस्किन की मदद रावी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यह अलफा इस्तेमाल किए या उनको शक हो गया वक़ल़ा कहाँ उस शख्स की तरह सवाब मिलता है जो बराबर मुसलसल हर रोज़ तहजद की नमाज पाबंदी से पढ़ता है और ऐसे पढ़ता है लाएफतर कभी सुस्त नहीं होता कभी जो है आ, काहली का शिकार नहीं होता मुसलसल नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ तो उसके बराबर अजरव मिलेगा और कहाँ वक़्सा इमिलफ्तुर या ये अल्फाज अल्लाह के नबी साने फरमाएँ कि जो हमेशा रोज़ा रखता है हमेशा रोज़ा रखता है सोम दाऊद आप ले लें एक दिन रोज़ा रखना एक दिन इफ्तार करना ये जो है अल अकल इजादत है इसकी रोज़ाना हर दिन रोज़ा रखना मना है साल भर रोज़ा रखना मना है लेकिन एक दिन रोज़ा रखें इंसान एक दिन इफ्तार करें ये सोम दाऊद कहलाता है सबसे अफज़ल रोज़ा तो इस तरह कोई अगर कोई इफ़ार किए बग़ैर रोज़ा रखता है मुसल स दाऊद की तरह दाऊदाम के रोज़े की तरह तो उस तरह जो है उसको सवाब मिलता है कितना बड़ा अजर षवाब अल्लाह अल्ला अकबर हम इसे कितने ऐसे लोग हैं जो मुसलसल जिसके लिए तहजद की पाबंदी करना मुश्किल है बाज़ लोगों के लिए रोज़ा रखना जो है मुश्किल है वज़ुर भी हैं बा के पास बास ताकत रखते हुए भी ना नहीं कर पाते और बाज़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह के रास्ते में क़ाल करने का मौक़ा ना मिले या मिले तो ना कर सकेज़ुर हों तो देखिए वो सवाब अगर हम पाना चाहते हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा आफ़र है अल्लाह की तरफ़ से कितना बड़ा जो है आ, एहसान अल्लाह ताला ने किया है कि इतना अजीम अजर सवाब हम जो है बेवा किसी मस्किन की मदद करके उसकी ज़रूरिया ज़िंदगी को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं जो है अजीम अजर सवाब ये फजीलत या मकाम हम हासिल कर सकते हैं इसी तरह देखिए जाहली माशरे में बेवा होना जो है एक बदनुमा दाग उसको तसूर किया जाता था और उसको मनहूस समझा जाता और बदकिस्मती उस बदकिस्मती से उसको जो है ये कहा जाता कि तेरी किस्मत बुरी है तेरी किस्मत जो है बुरी है इस तरह उसको ताने दिए जाते और वो अपने आप को जो है उसको हर हकूक़ से महरूम किया जाता तो कभी ऐसा मामला आ जाता कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती खातून जो है आज भी हो रहा है हमारे माशरे में नज़र दौड़ाएँ कितने ऐसे लोग हैं मस्किन हैं गरीब हैं परेशान हैं खास किसानों का मसला मुल्क हिंदुस्तान में किसानों का मसला आए दिन हम सुनते हैं कि किसानों का जो है कर्ज माफ़ नहीं किया गया किसानों पर इतना नुकसान हुआ घर के घर तबाह हो रहे हैं सर एक किसान मर्द नहीं बल्कि वो अपने बच्चों को जहर देकर बीवी को ख़तल करके ख़ुद भी जो है ख़ुदकुशी करके मर रहा है इतने कई वाकियात हम पड़ें सारा साल हर साल जो है किसानों के मसाइल हैं ग़रीब तबके के मसाइल हैं बेवाओं के मसाइल हैं और बेवा के अलावा मैंने पिछले दस में इशारा किया था कि बेवा की तो शादी हो गई शादी के बाद शोर का इंतकाल हुआ बल्कि ऐसे नौजवान लड़कियाँ हमारे माशरे में ऐसे लड़कियाँ जिनकी उम्र बड़ी बड़ी हो गई शादी के इंतजार में हैं कि कोई हैं जो उस पर एहसान करें बगैर जहेज़ की रस्म जो गलत रस्म है जहेज़ की लानत के बगैर उसका उसकी जो है डोली उसके घर से निकलें बल्कि ऐसा भी मामला है कि जिसकी शादी भी हो जाती है जहेज़ की लानत में उसको जला कर मार दिया जा रहा है नौज़बीदी अज व गरीब वाक़ियात हमारी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है या बर सग़ी में या पूरी दुनिया में उमूा ख़ास से मैं मिसाल दे रहा हूँ जहाँ हम रहते हैं रोज़ाना हम ये खबरें सुनते हैं अजय वरीब तरीक़े से इस कमज़ोर तबके पर जो हैं म किया जा रहा है बल्कि सिर्फ नौजवान लड़कियाँ नहीं बास लड़के भी ऐसे हैं कि निका को इतना मुश्किल कर दिया गया आज अल्लाह अखबार बदकारी करना आसान कर दिया है नौज़बिल्लिक तमाम की जिम्मेदारी हैं जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी है निगरान बनाया है ज़िम्मेदार सरपरस बनाया है गिरी करें अपना मुहासभा करें अपने ख़ानदान कबीले अपने माशरे समाज अपने मुल्क बल्कि जिसको जितनी ताकत अल्लाह ने दी पूरे आलम इस्लाम की फ़िक्र हम करें उनके लिए दुआ करें अपना माल खर्च करें और जिसके भी जो हकूक़ अल्लाह ताली ने बताए हैं मुतिन किए हैं कल इसके बारे में पूछ होगी अल्लाह ताला मुआखदा करेंगे तो सख्त वहीदें इस सिलसिले में आई हैं जो हकूक़ को अदा नहीं करता अल्लाह ताला जो है जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा जो आज मुसीबतों के जो मसाय में मुश्किल से हम दो चार हैं एक लॉकडाउन के मसाइल ये वबाएँ ये परेशानियाँ तूफ़ान ये, ये टिटियों का मसला और बड़े अजीब गरीब तरीके से अल्लाह की आजमाइश आ रही है अल्लाह काब आ रहा है बाज़ लोगों के हक़ में तो हमें होश के नाखुन लेना है अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है कहीं ना कहीं ऐसा है अपना मुहासबा करें कि हमसे कोताही हो रही है बड़ी कोताही तो हम कोशिश करें जिसके भी अल्लाह ने निगरान बनाया है उन उनकू को जो है समझें अदा करने की पूरी कोशिश करें दुआ है हरबुलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी अदा फ़रमाएँ और हर एक के हकूक़ अदा करने की शादत ला नसी फरमाए बिलखसूस बेवाओं के जो हकूक़ हम सुन रहे हैं अल्लाह ती इन को अदा करने की शादत जो है नसी फरमाएँ आमीन सुमीन व मालीना अल्लबलामबीन अलमैकम वहमत ला वरकत